हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं 3 दिन कॉर्डेलिया क्रूज़ पर रहने वाला हूं, तो मैं आज आपको पूरा टूर करवाऊंगा कॉर्डेलिया क्रूज़ का अंदर से। ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, क्योंकि इतना खूबसूरत क्रूज़ मैं आपको दिखाऊँगा। बहुत ही बड़ा क्रूज़ है ये और बहुत ही खूबसूरत क्रूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6th फ्लोर पर, इसमें टोटल 10 फ्लोर है और ये 6th फ्लोर है। ये देखिए, बहुत ही बड़ा क्रूज है ये, बहुत यूज है, ये लिफ्ट है क्रूज की। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। ये मार्क्यू थिएटर है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहता है, डांस चलता रहता है। उसके बाद मैं आपको बता। सो गाइज, अभी हम 6th फ्लोर पे थे, अब हम जा रहे हैं 8th फ्लोर पे, जहाँ पर मेरा रूम है। वहाँ मैं आपको मेरा रूम बताऊँगा और फिर हम चलेंगे 10th फ्लोर पे। और अभी ये हम आ गए हैं 8th फ्लोर पे। ये देखिए लिफ्ट, बहुत ही प्रीमियम है यहाँ पर। ये लॉन एरिया है यहाँ पर, ये देखिए, ये लॉन एरिया बैठने के लिए हर फ्लोर पे है। और अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ। ये देखिए, ये रूम्स है और मैं आपको मेरा रूम दिखाता हूँ अंदर से मेरा रूम के साथ। बहुत ही बड़ा शिप है ये, बहुत ह्यूज है। इसमें 3,500 रूम है पूरे शिप में और बहुत बड़ा शिप है ये। तो अब हम चलते हैं हमारे रूम की तरफ और मैं दिखाता हूँ मेरा रूम। गाइज, हम आ गए हैं अब हमारे रूम पे। मेरा रूम नंबर है 8179। अब इसको ओपन करते हैं हम एक कार्ड डाल के। ये हो गया ओपन। ये देखिए, ये मेरा रूम है। तो अब रूम देखने के बाद अब हम चलते हैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए ज़रा, बहुत ही खूबसूरत। और ये नज़ारा देखिए, मतलब इस नज़ारे को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए। ये हम बाहर आए हैं, 8th फ्लोर पे हूँ मैं अभी और शिप पे बाहर आया हूँ मैं आपको नज़ारा दिखाने के लिए। चारों तरफ से पानी ही पानी, समुद्र। ये देखिए, अब मैं ले चलता हूँ आपको 10th फ्लोर पर, जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है, पूल पार्टी और ये सब दिखाता हूँ। तो अब हम चलते हैं 10th फ्लोर पर गाइस, और मैं दिखाता हूँ आपको 10th फ्लोर। ये लॉन एरिया है बैठने का और ये हम आ गए हैं लिफ्ट के पास। ये व्यू देखिए यहाँ से, लॉन एरिया में से। गाइस, वी आर नाउ ऑन 10th फ्लोर। अब हम 10th फ्लोर पर आ चुके हैं और अब हम चलते हैं 10th फ्लोर पे। ये देखिए, गाइस यहाँ पे पार्टी हो रही है, डीजे पार्टी। ये देखिए, सब रिलैक्स हो रहे हैं यहाँ पे। ये पूल बार है यहाँ पे, अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल भी अवेलेबल है। ये स्विमिंग पूल है, ये देखिए, ये स्विमिंग पूल है। ये देखिए, वेव में सब नहा रहे हैं यहाँ पर। वेव देखिए स्विमिंग पूल की, आप लुक एट द वेव।
नहा रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ बीच में जकूजी बाथिंग भी है, और मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे टॉप पे। और गाइस ये हम सबसे ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर कंट्रोल रूम भी है, इंजन कंट्रोल रूम, ये देखिए। और ये ऊपर से नज़ारा देखिए जरा आप, यहाँ पर आपको डीजे पार्टी हो रही है, पूल है, स्विमिंग पूल है, ये देखिए सब रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए ऊपर से नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये देखिए। ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पर आप मेरे साथ जुड़िए रही, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा यहाँ की। ये देखिए बहुत ही सुंदर नजारा। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12:15, 1:30 बजे हम लंच करने जाएंगे। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया 10 बजे, और 1:30 बजे लंच होता है, तो हम लंच करने जाएंगे। वहां पे भी मैं आपको दिखाऊंगा लंच का। ये देखिए बहुत ही सुंदर नजारा है। हम बैठ गए यहाँ पे ऊपर टॉप पे, हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, और अब हम चल रहे हैं पूल बार पर। यहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। आइस डाल, तो आप दोनों में आइस डाल दीजिए। ये पूल बार है, ये देखिए, यहाँ से मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूँ विद आइस। व्हाट इज योर नेम? कोली। ओके, नाइस टू मीट यू, वेलकम। तो हम पूल बार पे आ गए हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, और ये हमने स्प्राइट ली है, ये देखिए। अभी हम गोवा में एंट्री कर चुके हैं ना, कोचीन से। सर बता रहे हैं कोचीन से चले थे हम, तो अब गोवा में एंट्री कर रहे हैं। सर वहाँ रुके हैं शिप? नहीं रुकेगा, सीधा बॉम्बे सुबह आठ बजे। तो हम सुबह 8 बजे मुंबई पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पर। 8 बजे हमें मुंबई पहुँचना है, वही हमारा डेस्टिनेशन है मुंबई, हम उधर जाएंगे। तो दोस्तों अब 10th फ्लोर से मैं फिर से आ गया हूँ 6th फ्लोर पर, आपको दिखाता हूँ। यहाँ चिल्ड्रन सेक्शन भी है यहाँ पे, अगर आपके साथ कोई चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो उनके लिए ये देखिए, ये चाइल्ड सेक्शन है, यहाँ पर गेमिंग वगैरह होता है। ये देखिए प्ले स्टेशन भी है। चिल्ड्रन सेक्शन दिखाने के बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको कसिनो, महाराजा द रॉयल कसिनो। यहाँ पर कसिनो भी है गाइस, ये देखिए, यहाँ दिन भर सुबह से रात तक कसिनो चलता है, और सब खेलते भी हैं, ये देखिए इनका कसिनो। अभी बन रहे है क्योंकि अभी दिन है। ये देखिए, मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकता कसिनो, क्योंकि यहाँ पर कसिनो में वीडियो बना, कसिनो में आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि कसिनो में वीडियो बनाना मना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ कसिनो। यहाँ पर शॉप भी है, अगर आपको कुछ परचेज करना है तो यहाँ हर चीज़ मिलती है, कपड़े से ज्वेलरी तक हर चीज़ अवेलेबल है, परफ्यूम्स, बैग। ये देखिए, ये हम एक स्टोर में आए हैं डोनेटो, ये देखिए यहाँ पर किड्स से लेकर बड़ों तक। क्लॉथ्स, बैग, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं क्रूज में, यहाँ पर हर चीज है, थिएटर, कसिनो, शॉपिंग, एक्टिविटीज। ये देखिए
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा सब बताने की यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लग रही है ब्लॉग बनाने में, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब मैं आपको ले चलता हूँ लंच पे और वहाँ दिखाता हूँ इनका बुफे सिस्टम। हम आ गए लंच के लिए और यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों सेक्शन है। हम आए हैं वेज में, बुफे सिस्टम है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, ये आ गए हम लंच के लिए। ये हमारे राजा साहब हैं। हाँ भैया। ये हमारे बाबा है, अजय बाबा, जाकिर टोपी। ये हमारे भाई है जाकिर, बस इतना ही बहुत है। ये हमारे भाई है जाकिर, मेरे भाई पटेल की, पटेल ऑटोमोबाइल्स की शॉप है जिसे आप बहुत अच्छे से। ये देखिए बुफे सिस्टम है यहाँ पूरा, वेज और नॉन वेज दोनों है। और ये सब लंच कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। दोनों सेक्शन है यहाँ पे, वेज और नॉन वेज। और ये शिप के जितने भी पैसेंजर हैं वो सब अभी लंच कर रहे हैं, ये देखिए। तो अब मैं भी लंच करने जा रहा हूँ। तो गाइस, मैं लंच करके बाहर आ चुका हूँ और बहुत ही बढ़िया लंच था। तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।